स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। आज हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का इंट्रो पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और जो हमारी बीम होती है उसमें कितने टाइप्स का सपोर्ट होते हैं, लोड्स होते हैं, वो जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा किस तरीके से बनता है तो पूरा उसका बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीखेंगे। सो इसमें हमको ये पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स होता क्या है और उसमें हम साइन कन्वेंशन किस तरीके से लेते हैं और जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होता है और किस तरीके से हम उसमें साइन कन्वेंशन लेते हैं, क्योंकि जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है वही हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो हम सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे कि हम किस तरीके से टाइप्स ऑफ बीम में, टाइप्स ऑफ लोड में क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं ताकि हम इजीली शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकें। तो चालू करते हैं गाइस एसएफडी और बीएमडी। शेयर फोर्स क्या होता है? द एलजेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज शेयर फोर्स। सो जब आपके पास एक बीम होती है और किसी भी सेक्शन पे जो भी उसका शेयर फोर्स होता है जितने भी लोड्स के कारण उसका हम सम करते हैं और वही होता है हमारा शेयर फोर्स किसी भी सेक्शन पे। तो अगर यहाँ पे देखें आप तो इस सेक्शन पे आपके कितने लोड्स आ रहे हैं, 10 एंड 20। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमको शेयर फोर्स मिल जाएगा किस सेक्शन पे, ये एक्स सेक्शन पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स क्या है, एलजेब्रिक सम है किसी भी सेक्शन पे जितने भी लोड्स या वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं उस सेक्शन तक। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक बीम कंसीडर करी उस पर 20 और 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इन दोनों का जो एलजेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 और कितना हो जाएगा वो 30 किलो न्यूटन। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेक्शन एक्स पे जो शेयर फोर्स है वो कितना है आपका 30 किलो न्यूटन। तो ये हमारा शेयर फोर्स हो गया गाइस। अब हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। सो द एलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट भी वही है कि कोई भी आपके पास एक सेक्शन होगा उसमें जितना भी लोड्स के कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट हम किससे देते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहां पर देखें हम तो हमारा mx कितना हो जाएगा, जो आपका लोड है 15 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट से 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा गाइस 30 किलो न्यूटन मीटर। सो 15 इंटू 2 कितना हो गया आपका 30 किलो न्यूटन मीटर। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हम जो भी आपका फोर्स होता है इंटू जो भी डिस्टेंस होती है वो उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर। सो ये हमारा बेसिक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होता क्या है वो देखा है हमने कि शेयर फोर्स जिस सेक्शन पे हम निकाल रहे हैं उसमें जो भी लेफ्ट और राइट पे जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा शेयर फोर्स निकल जाता है उस सेक्शन पे। बेंडिंग मोमेंट भी इसी तरीके से कि जो भी मोमेंट प्रोड्यूस होगा जितने भी लोड्स के कारण उनको हम टोटल ऐड कर देते हैं, तो जो भी हमारा मोमेंट प्रोड्यूस होगा उस सेक्शन पे उसको हम क्या बोल देते हैं, बेंडिंग मोमेंट। इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस, इसको हम एसएफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, ए शेयर फोर्स डायग्राम इज वन विच शोज द वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। कि जितने भी बीम में आप पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हो उन पॉइंट्स पे आपका शेयर फोर्स क्या है वो बेसिकली हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं और उस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम। मींस आपने पांच पॉइंट कंसीडर करें, पांचों पॉइंट्स पे आपने क्या निकाल लिया, शेयर फोर्स। तो जो भी वेरिएशन आप लोड करेंगे अलोंग द बीम, लेंथ ऑफ द बीम, वो क्या हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी यही होता है कि जो शो करें हमको वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। तो जो आप पॉइंट कंसीडर करते हो उन पे आपने मोमेंट निकाल लिए और उन मोमेंट को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो डायग्राम क्या हो जाएगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
तो हम देख चुके हैं कि हम शेयर फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा SFD हो जाएगा, मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा BMD हो जाएगा। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में SFD एंड BMD बोलते हैं गाइस। अब SFD और BMD बनाने से पहले हमको थोड़ा बहुत इंट्रो पता होना चाहिए बीम्स का, सपोर्ट्स का, लोड्स का, तो वो हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम। सो फर्स्ट बीम हमारी कौन सी होती है, कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम में एक साइड फिक्स्ड सपोर्ट होता है और दूसरी साइड फ्री होता है। तो ये जो बीम है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैंटिलीवर बीम। इसमें ये वाला जो सपोर्ट है फिक्स्ड है, तो एक एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट लगा होता है और दूसरे एंड से वो फ्री होता है। तो ऐसी बीम को हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। सेकेंड बीम होती है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि सिंपली सपोर्ट होती है दोनों एंड्स पे। तो यहाँ पे ए और बी जो एंड है उन पे जो सपोर्ट लग रहा है वो क्या है हमारे पास, बेंडिंग। दोनों जो सपोर्ट्स है वो कैसे है हमारे पास, सिंपली सपोर्ट। तो ऐसी जो बीम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फिक्स्ड बीम। इसमें दोनों एंड्स पे जो सपोर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट होते हैं। तो अगर दोनों एंड पे आपके फिक्स्ड सपोर्ट है तो ऐसी बीम क्या हो जाएगी, फिक्स्ड बीम। एक होती है गाइस हमारे पास ओवर हैंगिंग बीम। इसमें एक पोर्शन जो रहता है वो आपका सिंपली सपोर्ट रहता है और जो एक पोर्शन रहता है वो आपका ओवर हैंगिंग पोर्शन रहता है। तो ऐसी कोई सी बीम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। एक गाइस कंटिन्यूस बीम होती है, उसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा सपोर्ट्स होते हैं। तो अगर दो से ज्यादा सपोर्ट्स होंगे तो वो वाली बीम कौन सी हो जाएगी, कंटिन्यूस बीम। जैसे यहाँ पे आपके पास तीन सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये वाली बीम क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस बीम, जहां पे आपके पास कंटिन्यूस सपोर्ट होते हैं। तो हमने पांच तरीके की बीम देख ली है। अब हम सपोर्ट्स देख लेते हैं कि उन सपोर्ट्स के कारण बीम कैसे बनती है। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। तो ये वाला जो सपोर्ट होता है वो फिक्स्ड सपोर्ट होता है। अब इसमें तीन रिएक्शन आती है गाइस, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट। तो यहाँ पे आपके पास तीन रिएक्शन होती है फिक्स्ड बीम में, तीन रिएक्शन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट। दूसरा है आपके पास कौन सा, सिंपली सपोर्ट। सो सिंपली सपोर्ट जो सपोर्ट होता है उसमें आपके पास दो रिएक्शन आती है, एक आती है आपकी वर्टिकल, एक आती है आपकी हॉरिजॉन्टल। रिएक्शन मीन्स क्या है कि वो रेजिस्ट करता है, ये इसको वर्टिकल डिस्प्लेस नहीं होने देगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस नहीं होने देगा। पर ये आपका यहाँ पे कोई मूवमेंट रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आपका मूवमेंट कितना हो गया, जीरो, मतलब वो फ्री है मूव करने के लिए। थर्ड है आपके पास रोलर सपोर्ट। सो रोलर सपोर्ट क्या होता है आपका, ये आपका सपोर्ट कैसा हो गया, रोलर सपोर्ट। सिर्फ इसमें एक ही रिएक्शन आती है जो कि इसके परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे कौन से सपोर्ट आएगा, वर्टिकल सपोर्ट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में फ्री होता है मूव करने के लिए। इसमें कोई से भी हॉरिजॉन्टल सब हॉरिजॉन्टल आपकी सपोर्ट नहीं होता है। तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे एक ही सपोर्ट है, कौन सा, वर्टिकल। सो एक ही रिएक्शन आएगी जो कि क्या होगी, वर्टिकल रिएक्शन होगी। तो हमने तीन टाइप्स के सपोर्ट देख लिए गाइस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड कि कितने टाइप्स के आपके क्या हो सकते हैं, लोड हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपका कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड होता है। सो एक बीम है उस पे आपने किसी एक पॉइंट पे लोड लगाया है तो वो लोड कौन सा हो जाएगा, पॉइंट लोड, या हम उसको बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड। तो ये एक्ट एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे ये एक्ट करता है। बहुत सारे हो सकते हैं बीम में पॉइंट लोड। अब सेकेंड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको शॉर्ट में UDL बोलते हैं। अब ये जो है UDL ये पूरे बीम पे स्प्रेड होता है और इसकी जो यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर होती है। तो मान लीजिए आपके पूरे बीम पे क्या लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर पूरी L लेंथ पर। तो अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको सोल्व करने के लिए हम पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं गाइस। तो जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से कैसे ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब हम SFD और BMD ड्रॉ करेंगे तो ये हमको वहां पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो भी जितने भी लेंथ पे वो स्प्रेड है, जैसे मान लें यहाँ पे L लेंथ पे स्प्रेड है, तो जो भी उसकी इंटेंसिटी होगी, जो भी उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, उससे
जितनी भी लेंथ पे वो लग रहा है उसको हम इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा W इंटू L, तो वो उसका क्या हो जाता है पॉइंट लोड में कन्वर्जन। तो ये हमारे पास लोड आ गया W इंटू L। अब ये लगेगा कहां पर, क्योंकि पॉइंट लोड तो एक ही पॉइंट पे लगता है, तो ये जितना भी अपने पास L लेंथ है उसके सेंटर पे, मीन्स जितने भी पार्ट में UDL लग रहा है उसके सेंटर पे ये पॉइंट लोड लगेगा। तो यहां पर अगर L का अपन सेंटर देखे तो L/2 हो जाएगा। सो ये जो पॉइंट लोड है वो कहां पे लगेगा, एक तो होगा L/2 पे। सो UDL को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे जब भी हम SFD और BMD बनाएंगे। तो उसको कन्वर्जन करने का क्या तरीका है, जितने भी लेंथ पे वो स्प्रेड है और जितनी भी इंटेंसिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट लोड आ जाएगा। पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, उसके सेंटर पे, जितने पर भी UDL लग रहा है उसके सेंटर पे। सो अगर L लेंथ पे UDL लग रहा है तो L/2 पे वो जो है आपका पॉइंट लोड एक्ट करेगा। ये आपका कौन सा था, सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप हम देखते हैं यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, इसको हम शॉर्ट में UVLB बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड ऐसा होता है, इसमें एक एंड पे इंटेंसिटी जीरो होती है, एक एंड पे आपका W किलोन्यूटन पर मीटर होती है। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर ये L लेंथ है, इंटेंसिटी W है, तो ये ट्रेंगल बन रहा है, तो ट्रेंगल का एरिया कितना होता है गाइज, W इंटू L इंटू हाफ, तो हाफ इंटू W L, तो ये आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका W L बाय 2। तो ये तो हमारा क्या आ गया, लोड आ गया पॉइंट लोड, इसको भी हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं गाइज। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट तो कर दिया, बाकी अब ये एक्ट कहां पे करेगा, क्योंकि पॉइंट लोड तो एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है, तो ये करेगा इसके सीजी पे। तो आप इसका सीजी बी से L/3 पे आ जाएगा और ए से 2L/3 पे आ जाएगा। अब जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां से पास होता है, तो बी के ये पास रहेगा तो L/3 और ए से ये दूर रहेगा तो 2L/3। तो इस तरीके से हम देख सकते ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो जहां पे भी आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां से सीजी पास में होता है, तो L/3 कहां से रहेगा, ये बी से रहेगा क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है। तो वो इस पॉइंट से L/3 पे और इस पॉइंट से 2L/3 से। तो हमने देखा कि हमारे पास तीन टाइप्स के लोड होते हैं, पॉइंट लोड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, एंड थर्ड होता है हमारे पास UVL यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। और कैसे हम UDL और UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कहां पे एक्ट होंगे, उनके सीजी पे, तो वो भी हमने देख लिया। अब हम साइन कन्वेंशन देखेंगे कि किस तरीके से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में साइन कन्वेंशन कर सकते हैं। अब जब भी हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास तीन टाइप्स के लोड होते हैं, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। सबसे पहले जब हमारे पास पॉइंट लोड होगा और हम शियर फोर्स बना रहे हैं तब हम वहां पे क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन, मींस जो भी डायग्राम बनेगा वो काय में बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा जब आपका पॉइंट लोड लग रहा हो और जब हम शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हो। वहीं अगर पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे तो वहां पे हम कैसी लाइन कंसीडर करेंगे, इंक्लाइन लाइन। दूसरा, अगर आपके पास UDL हो तो इस शेयर फोर्स में इंक्लाइन लाइन कंसीडर करेंगे और उसके कारण बेंडिंग मोमेंट में 2 डिग्री कर्व, सो ये 2 डिग्री कर्व हम कंसीडर करेंगे। UVL की बात करते हैं तो शेयर फोर्स में 2 डिग्री कर्व एंड बेंडिंग मोमेंट में 3 डिग्री कर्व। ये आपको गाइज समझ में आ जाएगा जब हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तब SFD और BMD बनाएंगे तो ये इजिली समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप ये टेबल याद कर लीजिए और इसको बना लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत इजी है, आप इजीली समझ सकते हैं कि हम किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले शियर फोर्स की बात करते हैं तो शियर फोर्स में गाइस जो लोड होता है उसको हमको पॉजिटिव लेना है, और जो रिएक्शन होती है जो डाउनवर्ड के कारण जो रेजिस्टेंस लगता है मीन्स अपवर्ड फोर्स उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो लोड को आपको पॉजिटिव लेना है और रिएक्शन को आपको नेगेटिव लेना है। ये आप हमेशा याद रखो, ये आपको कहीं पे भी गलत नहीं करवाएगी जब भी आप SFD BMD बनाएंगे तब। दूसरा, अगर आप देखते हैं बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट में जस्ट इसका अपोजिट है, लोड को आपको नेगेटिव लेना है और रिएक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है। तो आप एक को याद कर लोगे
तो दूसरा उसका अपोजिट है, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक को अच्छे से याद रखो, बेंडिंग मोमेंट में याद रखो कि रिएक्शन पॉजिटिव होती है, बस इसके बाद शेयर फोर्स में अपनों को वाइस वर्सा करना है, मतलब उल्टा करना है। तो एक अच्छे से याद रख लेना कि बेंडिंग मोमेंट में रिएक्शन नेगेटिव होती है, बस बाकी सब अपनों को याद हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, इसके अकॉर्डिंग ही हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें रिएक्शन लग रही हमारी कितनी 20 और लोड कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन, और हमको एक सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। सो अब रिएक्शन और लोड लग रहा है, शेयर फोर्स फाइंड करना है एक सेक्शन पे, तो अगर हम देखें तो दो लोड है हमारे पास तो दोनों का सम होगा, बट यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है। तो अगर आप शेयर फोर्स देखोगे तो रिएक्शन के कारण कैसा है नेगेटिव, तो ये जो 20 है इसको हम क्या लिखेंगे फिर -20। सो यही है कि रिएक्शन के कारण शेयर फोर्स नेगेटिव लिखते हैं, तो -20 लोड हम कैसा लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपका +10। तो ये शेयर फोर्स एट सेक्शन XX कितना जाएगा -10। नाउ अगर यही चीज हम बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं, तो गाइस बेंडिंग मोमेंट समझ लीजिए कैसे लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट में हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस देखें, एक सेक्शन से 20 की डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, और एक सेक्शन से 10 मीटर किलोन्यूटन की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। सो अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन के कारण कैसा है पॉजिटिव, तो 20 इंटू यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 -10, क्योंकि लोड के कारण आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो कैसा होता है माइनस का होता है, तो -10 इंटू 1। तो सबसे पहले क्या हुआ 20 इंटू 3 -10 इंटू 1, क्योंकि माइनस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो लोड है वो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और यहां पे हम पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर रिएक्शन है और रिएक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है आपका गाइस पॉजिटिव। तो इजीली 20 इंटू 3 करेंगे -10 इंटू 1 करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 -10 50, और आपका यूनिट क्या जाएगी किलोन्यूटन मीटर, और यहां पे आपकी यूनिट क्या जाएगी किलोन्यूटन। सो इस तरीके से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पे। अब हम एग्जांपल लेते हैं और एसएफडी और बीएमडी कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सो बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक बीम कंसिडर करते हैं जिस पे आपका सिंपली सपोर्ट लग रहा है, और सी पे आपका लोड लग रहा है 45 किलो न्यूटन। मान लीजिए 3 मीटर है, ये आपकी 2 मीटर है। अब ये रिएक्शन है आर ए एंड आर बी। सो सबसे पहले लेट रिएक्शंस एट ए एंड बी आर आर ए एंड आर बी। तो सबसे पहले गाइस जो रिएक्शन होती है उनको कंसीडर करेंगे। सो ए पे रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी आर ए, और बी पे रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी आर बी। नाउ जितना भी अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो जितना आपका अपवर्ड लोड होता है उतना ही आपका क्या होना चाहिए डाउनवर्ड लोड। तो जो अपवर्ड लोड है वो कितना है 45, और जो आपका अपवर्ड लोड कितना है आर ए और आर बी, और डाउनवर्ड लोड कितना आपका 45। सो अगर हम सबमिशन एफ आई इक्वल्स टू 0 लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 45 किलो न्यूटन। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी जब भी आप एस एफ डी और बी एम डी बनाओगे तब, क्योंकि सबसे पहले हमको रिएक्शंस फाइंड करना होता है। जब भी हम एस एफ डी बी एम डी बनाते हैं तो जो सबसे पहली स्टेप होती है हमारी वो क्या होती है रिएक्शंस फाइंड करने की। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहली इक्वेशन जो बनती है वो हमारी बनती है सबमिशन एफ आई इज इक्वल्स टू 0। मीन्स जितना भी आपका अपवर्ड लोड है वो किससे इक्वेट कर देंगे हम, जितना भी डाउनवर्ड लोड है उससे। तो आर ए प्लस आर बी आपका कितना हो जाएगा गाइस 45 किलो न्यूटन। नाउ अब ये आपका सिंपली सपोर्ट है, तो हमको पता है कि सिंपली सपोर्टेड पे जो मोमेंट होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है। तो आपका एम ए कितना हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा। तो अब हम मोमेंट लिख सकते हैं एम ए पे। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, सो आपका ए पे मोमेंट कितना है गाइस 0 है, तो हम एम ए
लिखकर उसको इक्वेट क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यहां पर कि इसके दो लोड आ रहे हैं, एक रिएक्शन आ रहा है और एक लोड आ रहा है। तो हम देख चुके हैं कि हमारा एम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर बी इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो गई 5 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अब क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। और हमने पहले देखा है कि मूवमेंट के कारण जो रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लोड होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा आपका 45 इंटू यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है गाइस, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3। नाउ जो आपका एम है वो कितना है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये आपका एक सिंपली सपोर्ट है और सिंपली सपोर्ट पे जो मूवमेंट होता है वो 0 होता है। तो हमने उसको कैसे इक्वेट कर देंगे 0 से, तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी गाइस, आरबी की वैल्यू आ जाएगी। अब 5 आरबी इज इक्वल्स टू 45 इंटू 3, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपका 27 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, आरबी निकाल लिया। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसमें हम ए पे मूवमेंट लिख रहे हैं तो ए पे जितना भी फोर्स आएगा वो लिखेंगे। तो सबसे पहला जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है आपका आरबी इज इक्वल्स टू आरबी इंटू 5, तो आरबी इंटू 5 लिख लिया, माइनस लोड आ रहा है तो लोड को हम नेगेटिव लेते हैं इसलिए माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस 45 इंटू वहां से उसकी डिस्टेंस 3। और ये 5 क्यों लिखा, क्योंकि आरबी की उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है गाइस, 5 है, तो ये लिख के इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो हमारे पास आरबी कितना आ गया, 27 किलोमीटर। अब आरबी निकल गया, तो हम इसकी जो आरबी की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन 1, वी गेट आर ए प्लस 27 इज इक्वल्स टू 45। सो आर ए कितना जाएगा गाइस, 45 माइनस 27, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास 18, ये कितना आ गया गाइस हमारे पास 18 किलो न्यूटन। सो आर बी आ गया आपके पास 27 एंड आर ए आ गया आपके पास 18 किलो न्यूटन। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, वो होती है रिएक्शंस फाइंड करना। तो सबसे पहले हमने सीखा कि हम रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब आपके पास तीन पॉइंट्स है, ए बी एंड सी। सो तीनों पॉइंट्स पे हम क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स निकालेंगे। सो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम तीनों पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम जब भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो हम पीछे से चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा गाइस, बी। बी पे क्या लग रही है, रिएक्शन। और शेयर फोर्स में हम रिएक्शन को कैसा कंसिडर करते हैं, नेगेटिव। तो यहां पे आपका जब आप शेयर फोर्स एट बी लिखोगे तो माइनस आर बी हो जाएगा। अब आर बी कितना है आपका, माइनस 27 किलो न्यूटन। तो ये आपका शेयर फोर्स एट बी आ गया माइनस आर बी, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या लग रहा है, आर बी। अब इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो हम उसको सम करेंगे, क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, बी आएगा। तो बी आएगा तो उसको ही लेंगे। तो बी पॉइंट पे क्या लोड लग रहा है, आर बी लग रहा है। अब रिएक्शंस नेगेटिव होती है तो शेयर फोर्स के कारण, तो वो माइनस आर बी हो जाएगा। तो मीन्स हमारे पास शेयर फोर्स एट बी कितना आ गया, माइनस 27 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट सी आएगा, तो सी पे अब हम, तो सी पे एलजेब्रिक सम लेंगे। तो हम पीछे से चल रहे हैं गाइस, तो ये हम कंसिडर करेंगे दोनों। तो इसमें माइनस आर बी प्लस 45 हो जाएगा। तो शेयर फोर्स एट सी कितना होगा, माइनस आर बी प्लस 45। सो माइनस 27 प्लस 45, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18 किलो न्यूटन। सो सी पे आपका 45 लोड है, तो लोड हम पॉजिटिव लेते हैं। तो शेयर फोर्स एट सी कितना आ जाएगा गाइज आपके पास, 18 किलो न्यूटन। नाउ अब शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए जो होता है आपका, अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके पास कितना होना चाहिए, माइनस 18 किलो न्यूटन। सो शेयर फोर्स एट ए, तो जस्ट लेफ्ट आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस 18 किलो न्यूटन।
अब हम डायग्राम बनाते हैं गाइस। तो डायग्राम में देखिए ये आपके पास आ गया ए, ये आ गया आपके पास सी और ये आ गया आपके पास बी। अब जो आपके पास शेयर फोर्स एट बी था वो कितना था, माइनस 18, तो माइनस 18 आपका माइनस 27, तो माइनस 27 आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमने देखा था कि जो शेयर फोर्स बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, किस केस में, जब आपका शेयर फोर्स हो और पॉइंट लोड हो। तो यहां तक आपका जो है स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास और कोई लोड नहीं है, तो सी तक वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। फिर आपका सी पे कितना है, प्लस 18 है, तो ये आपका प्लस 18 हो जाएगा, ये आपका प्लस 18 हो जाएगा। फिर ए तक आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ए तक आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस 18 किलो न्यूटन हो जाएगा। नाउ अगर आप राइट पे देखें ए के, तो कितना हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 18, क्योंकि यहां पे क्या है आपके पास रिएक्शन है, तो रिएक्शन के कारण वो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका वापस कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। सो ये आपका क्या बन गया गाइस, शेयर फोर्स डायग्राम। ये ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये नीचे है तो इसको हम नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम। ये हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि आपको बस साइन कन्वेंशन और किस तरीके से हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं वो आपको पता चले। तो एसएफडी हम इस तरीके से बनाएंगे। नाउ हम बीएमडी देखते हैं। सो बीएमडी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंट एट ए एंड बी आर जीरो, क्योंकि वो सिंपली सपोर्ट है, वो सिंपली सपोर्ट पे जो आपका पेंडिंग मोमेंट है वो जीरो होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। तो एम ए इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा और एम बी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ अभी कौन सा पॉइंट बचा गाइस, सिर्फ हमारे पास तो सिर्फ हमारे पास कौन सा बचा, सी पॉइंट बचा, क्योंकि ए और बी पे आपका जो मोमेंट है वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब जब हम सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हम पीछे से चल रहे हैं, तो पीछे से हमारे पास एक आरबी आएगा और ये लोड आएगा, तो लोड तो उसी पॉइंट पे लग रहा है तो वो तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो इसके कारण कोई मोमेंट नहीं आएगा। सिर्फ जो आपका मोमेंट आएगा वो किसके कारण आएगा, आरबी के कारण आएगा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट आरबी इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपकी कितना है, टू। और हम जब हम मोमेंट लिखते हैं तो रिएक्शन को कैसा कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो आरबी इंटू टू हो जाएगा। सो जब हम रिएक्शन लिखेंगे, आरबी कितना हमारे पास 27 किलो न्यूटन, सो मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा गाइस, आरबी इंटू थ्री, आरबी इंटू टू हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, टू है। सो 27 इंटू टू, तो ये आ गया आपके पास 54 किलो न्यूटन मीटर। नाउ जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। तो अब जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो आपका शेयर पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट में इंक्लाइन लाइन चलती है, तो यहां पे जब सी पे हम 45 किलो न्यूटन मीटर कनेक्ट करेंगे ए से, तो वो कैसी करेंगे, हम इंक्लाइन लाइन से करेंगे, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और इसमें जो आपका पॉइंट लोड के कारण जो लाइन जुड़ती है वो इंक्लाइन लाइन जुड़ती है। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। जब हम सेकेंड केस, जब हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे तो उसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ सके। आज सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सपोर्ट्स क्या होते हैं, शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जो आपके बीम होती है वो क्या होती है, और हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। तो सिर्फ आज हमने वो देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल लेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।